क्यों लड़ाई कर रहे हो? उतारेगी ना? बिल नहीं उतार रही, पहन के रहूंगी। सारे कपड़े तू ले ले, ये टी शर्ट भी मेरी है। ये ब्लॉग में मत डाल दियो, मेरे को गरीब समझे भी लोग। तू है गरीब? ये भी एक बारी पहन के देखो, नहीं है। तो आज अलग अलग प्रकार के नाश्ते बने हैं, किसी के लिए पोहा बना है, किसी के लिए तो भाई खुद बनाया करो ना अपना, तो हेल्दी हो रही हो। क्या पीएगा? तो अलग अलग तरीके के सबके लिए नाश्ते बने हैं। सीना क्या खाई? और ये हमारे लिए बना है मूंग दाल ग्राइंड करके, तो हम इसका बनाएंगे चीला अभी नहा के। क्या? अच्छा मतलब तू ये भी खाएगा वो भी खाएगा? हाँ। और कुछ सीना वाले में से भी खा लियो। हल्दी बनाना पड़ेगा मम्मी, बनाना चिप बना। और कुछ सुबह से तीन चार पी अगर नाश्ते करते हो यार, केला तो मैं। तो जल्दी से 10-15 मिनट रह गए क्लास स्टार्ट होने में, तो नहाती हूँ यही पहनूंगी वापस से, मेरी मर्जी ठंड हो रही है, कपड़े वापस से यही पहनूंगी क्योंकि इस चीज को खतरा है। अब ये इसको भी इससे नजर आ गया, कर दो वो क्यों ले, चेक करनी नहीं है, मैं दूंगी नहीं चेक करने के लिए। कौन सी है? पर्पल वाली वो भी मेरी है। और ठंड बहुत ज्यादा हो रही है यहाँ, तो सारे ही खांस रहे हैं। मम्मी ने खांसना शुरू करा और फिर मम्मी ने सबको धीरे धीरे बांट दिया। और जब तेरे पास मोटी वाली जैकेट है तो पहन के गया था, वो गीली हो गई। चलते हैं जल्दी से नहाते हैं, आपसे ब्रेकफास्ट करते हैं, 10 मिनट रह गए क्लास। यार तू चुप हो जा यार। और तू अपना भी तो देख ले भाई, मेरा तो फ्री भी अच्छा है। तो ये अपने नाश्ते खुद बनाया करना जब तुझे हेल्दी खाने का शौक चढ़ा है तो। शौक चढ़ा नहीं, खाते हैं यार। रोज मैगी खाने वाले पोहा और वो खा रहे हैं। कोई बोल नहीं सकता मैं रोज मैगी खाने वाला बंदा हूं। क्यों? देखकर नहीं बोल सकता ना। क्लास करते करते स्मूदी भी नहीं, मतलब कुछ खाना भी ना पड़ा, और अभी ब्रेकफास्ट भी नहीं करा, बनाया भी नहीं, और 12 बज गए। मतलब 12 तो मुझ बजते ही है, मैंने ब्रेकफास्ट नहीं करा। तो जल्दी से जो बैटर मम्मी ने बनाया था उसका चीला बना के खा के एक और क्लास करानी है। तो चीला बनाते हैं। कुछ नहीं करना, बस उसमें थोड़ा सा तेल भी है, इसी में पोहा बना था, अब इसी में ही मैं चीला बना रही हूँ। तो ये बैटर गया इसके अंदर, एक ही बार में बड़ा सा बना लेते हैं ना, बार बार झंझट ही नहीं आएगा। और इसको ऐसे ऐसे डोसे की तरह, वो शेड तवा तो गर्म हुआ ही नहीं था, मैंने डाल दिया। ये तो बहुत ज्यादा मोटा बन गया, चलो कोई नहीं खा लेंगे, पेट में जाना चाहिए। तो ये चीला बन रहा है और क्लास के लिए फोन आने शुरू हो चुके हैं। तो ये देखो चीला, इसमें प्रोटीन होता है, ये पूरे मूंग दाल को ग्राइंड करके बना हुआ, तो बहुत ज़्यादा हेल्दी ब्रेकफास्ट है ये, तो आप खा सकते हैं। सिर्फ मूंग दाल लेना है, उसमें अदरक लहसुन को ग्राइंड करना है और उसको सिर्फ पेस्ट बनाना है और फिर बाद में उसको खा लेना है। तो
इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं ताकि ये अंदर तक पक जाए। सारी क्लासेस करा ली, अब सोच रही हूँ कि क्या करूँ और कहाँ जाऊँ। मन तो कर रहा है कि एक बार को बाहर जाऊँ, लेकिन फिर मैं सोच रही हूँ कि सो जाऊँ। तो अभी देखती हूँ क्या करना है, फिर बताती हूँ, डिसाइड करती हूँ। खाना बन गया है, खाना बन गया है। खाने में है कड़ी चावल, तो खाना खाते हैं जल्दी से और फिर देखते हैं कि क्या करना है, बाहर जाना है या नहीं जाना, वो खाना खाने के बाद डिसाइड करते हैं। तो कड़ी चावल बने हैं, तो उसके साथ मुझे वो जैन चावल वाले की याद आ गई जो कनॉट प्लेस में है। वो अपने कड़ी चावल राजमा चावल के साथ पापड़ देता है, तो फिर ऐसे ही मन करा कि अब पापड़ खाते कड़ी चावल के साथ, तो इसलिए कड़ी चावल के साथ पापड़। भाई इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है ना, मतलब उठने का बाहर मन ही नहीं करा, बस खाना खा लिया है और तब से मैं रजाई में ही बैठी हुई हूँ और क्लास भी मैंने रजाई में ही बैठ के कराई है। इतनी ज़्यादा ठंड आज ही लग रही है, वैसे नहीं लग रही थी। और बाहर जाने का है तो मन, लेकिन फिर ठंड की वजह से जा नहीं पा रही हूँ, अंदर से हिम्मत नहीं हो रही है। तो सोच रही हूँ कि जाऊँ कि ना जाऊँ, अब 4 भी बज गए, तो चल लेते हैं। चलो तो तैयार होती हूँ और फिर बाहर चलते हैं, थोड़ा बहुत सामान ले आऊँगी। वैसे भी 2 दिन सैटरडे संडे यहाँ पे दिल्ली बंद है और कहीं बाहर भी नहीं निकल सकते, और बाहर निकलेंगे तो हमें पड़ेंगे लट, तो इसलिए सैटरडे संडे बाहर नहीं निकल सकते। तो ऐसा करती हूँ थोड़ा सा सामान ले आती हूँ बाहर से जाके, जो अपना मॉल से लेके आना है अपनी। चलो फिर रेडी होते हैं। रेडी हो चुकी हूँ बाहर जाने के लिए, पूरा कवर कर लिया है और प्रिकॉशंस जैसे कि सैनिटाइज़र, अगर आप बाहर जा रहे हो तो सैनिटाइज़र भी लेके जाए, मैं भी लेके जाऊँगी, मास्क भी लेके जाऊँगी, और पूरा कवर करके और इधर उधर हाथ भी नहीं लगाना। और बस इतना ही, बाकी जो होना है वो तो होना है, ऐसा तो नहीं है कि काम धंधे रुक जाएंगे लोगों के। तो चलते हैं बाहर और करते हैं कुछ शॉपिंग और फिर वापस घर आ जाएंगे। चलो भारत दर्शन पार्क पूरा कवर कर रखा है ताकि अंदर कोई देख भी ना पाए। 100 रुपये इसकी टिकट है, और पता नहीं, मैं तो गई नहीं अंदर क्योंकि मुझे लगा कि पैसे वेस्ट ही है। सिर्फ यही है कि जा सकते हो आप, जाके फोटो क्लिक करो बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। मेरा मानना ये था कि जितने 100 रुपये हम खर्च करते उतने का तो हम चिकन ही ना खा ले, तो इसलिए हम गए नहीं। तो हम जा रहे हैं पैसिफिक मॉल जो कि सुभाष नगर में है, थोड़ा सा सामान लेंगे घर का भी लेंगे और अपना भी लेंगे, डाइट का सामान। वैसे कीर्ति नगर से भी ले सकते थे लेकिन हमने सोचा थोड़ा सा दूर हो जाएगा, चलते हैं। तो
पहुंच गई पैसिफिक मॉल, और हमेशा की तरह यहाँ पे उतना ही रश है जितना होता है। तो स्कूटी कर दी है पार्क और अब जा रहे हैं मॉल के अंदर। अभी भी देख लो इतना ज़्यादा रश है, लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता। हम भी आए हैं लेकिन ठीक है, अपनी तरफ से सेफ्टी रखनी चाहिए। लेना था लेकिन ऊपर जा रहे हैं, थोड़ा सा ऐसे ही फोटो शूट करेंगे और फिर नीचे आएंगे। ज़ारा के लिए इतना लंबा लाइन लगी हुई है, ये लोग ज़ारा में जाने के लिए खड़े हुए हैं। वाह, आके खड़े हो गए थे और 2000 का चलान काटना शुरू कर दिया था। और ये है फूड कोर्ट, सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे है फूड कोर्ट। हम यहाँ कुछ नहीं खा रहे हैं, बस ऐसे ही आए थे शूट करने के लिए और बस यहाँ से जा रहे हैं। वैसे तो रश होता है, ऊपर थोड़ा सा कम रश है, नहीं रश तो है। घूम लिया, हम नीचे जा रहे हैं वापस, अपना सामान लेते हैं और फिर वापस निकलते हैं जल्दी से। आवाज़ थोड़ी सी धीरे हो रही होगी क्योंकि बहुत ज़्यादा शोर है यहाँ पे। किताबों को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। हा हा हा।